students, our today's topic is for 11th class. In the current session, we are discussing protista. We are discussing diatoms, dinoflagellates, eumenides. Now today, we will be discussing the slime molds. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डायटम्स और डायनोफ्लाजेलेट्स जो हैं ये आर फोटोसिंथेटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद हमने किया था यूमिनाइड्स, वहाँ पे हमने देखा था मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, और हम आप इस समय में आ गए स्लाइम मोल्ड्स, और इसके बाद हमने प्रोटोजोन्स करने, ये दोनों हमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा था। तो हम थोड़ा सा इनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़े स्लाइम मोल्ड्स के। एक लिक्विड मास है, एक सेल है जिसके अंदर टू एंड न्यूक्लियस है, यहाँ इस सेल के अंदर माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस टू माइटोसिस में दो चीजें होती हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस पहले तो कैरियोकाइनेसिस होती है, जिसका मतलब है कि न्यूक्लियस जो है डिवाइड होता है इनटू टू, और उसके बाद क्या है कि सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है और सेल के दो हिस्से हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता रहता है लेकिन सेल का साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड नहीं होता। एज ए रिजल्ट आते हैं ये न्यूक्लियस जो है ये बढ़ जाते हैं, एक के दो बन जाते हैं, दो के चार बन जाते हैं, चार के आठ बन जाते हैं, इसी तरह से इस सेल जो है आहिस्ता 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 बड़ी होती जा रही है इस तरह से। इसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन यही थी सर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और ये सेल बढ़ती जा रही है, और अपना गजा के इस्तेमाल करके जो भी इसके सामने से आते हैं पत्ते वगैरह उनसे हम न्यूट्रिशन ले लेके ये सेल अपना मास जो है बढ़ाती है, और साथ में न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन आ जाती है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ का अंत होना ही है, एक वक्त आ जाता है कि इस सेल को लगता है कि अब मैं अंत होने वाला है, एम्फेरोड कंडीशन से यहाँ फूड की कमी हो गई, कुछ और हो गया, तो ये अब क्या करता है, ये अपने मार्जिन पे ऐसे स्ट्रक्चर्स, उससे पहले कि ये स्ट्रक्चर ये जो ये सेल है इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। लेकिन याद रखना वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो हमने मलेरिया फैलाता है, नहीं, ये अलग किस्म का प्लाज्मोडियम है इस सेल को जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है, इसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। और मैंने जब कहा कि अब हर एक चीज़ का अंत होने वाला है, इसका भी अंत आएगा, तो उस वक्त एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें हम क्या कहेंगे ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा, इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी, इन फ्लोटिंग बॉडीज में क्या बनेगी, मियास न्यूक्लियस सॉरी स्पोर बन जाएगी, यहाँ पे मियासिस होगा, मियासिस होके स्पोर्स बन जाएंगे, और ये स्पोर्स क्या हैप्लाइड होंगे, यानी कि हैप्लाइड स्पोर्स बन जाएंगे, स्पोर्स मास्टर हैप्लाइड।
स्पोर बन जाएंगे, उनमें मियासिस हो गई तो ये स्पोर जो है हैप्लॉइड बन जाएंगे। अब ये स्पोर जर्मिनेट हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल दीज आर स्पोर्स, ये अब जर्मिनेट होके हिमोबाइट सेल्स बन जाएंगे, हिमोबाइट सेल्स, ये हिमोबाइट सेल्स फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होके क्या बन जाए बनाएगा, एक सेल बनाएगी, और ये सेल जो है फिर से ही अपना काम शुरू करने करते इसी सेल में वापस आ जाएगी और सीधा ही काम फिर से रिपीट हो। समझे आप जरा सराइल मोड से, ये न्यूट्रिशन बिहेवियर रहते वो क्या है, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर माइटोसिस होती है, लेकिन माइटोसिस का एक ही फेज दैट इज कैरियोटाइसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड होता रहता है विद इन द सेल, और सेल अपना न्यूट्रिशन पत्तों पे जो भी चीज़ें इसके सामने से आती है, चूँकि लिक्विड मास या बढ़ता जाता है वो वहाँ से न्यूट्रिशन हासिल कर करके माइटोसिस कर करके न्यूक्लियस को डिवाइड करता रहता है, तो एक मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन हो जाता है, बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो आखिर पे एक वक्त आता है उसको लगता है कि अब मेरा अंत होने वाला है, तो ये अपने मार्जिन पे एजेस पे फ्लोटिंग बॉडीज बनाता है जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं, उन स्पोर में मियासिस हो, क्योंकि जब मियासिस होगी तो डेफिनेटली स्पोर जो है हैप्लॉइड बन जाएगा, रिडक्शन डिग्री है मियासिस, स्पोर जो है हैप्लॉइड बन जाएंगे, ये स्पोर अब यहाँ पे रहते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, एन यहाँ पे भी आ, अब इनका फ्यूजन हो जाएगा, ये अब ये एमोबाइल सेल्स बन जाएंगे जर्मिनेशन करके, इनमें जर्मिनेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा जर्मिनेशन, तो एमोबाइल सेल्स बन जाएंगे, एमोबाइल सेल्स ये क्या है, ये भी है नहीं है, तो उसके बाद ये फ्यूज हो जाएंगे, ये एमोबाइल सेल्स जब फ्यूज हो जाएंगे तो उनके अंदर एक सेल बन जाएगा जो टू एन जिसके अंदर न्यूक्लियस टू एन, फिर से ये सेल न्यूट्रिशन हासिल कर करके अपना साइज बढ़ाएगी और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन में आ जाएगी, प्रोटीन बॉडीज बनाएगी, स्पोर्स बनाएगी, स्पोर्स के बाद जर्मिनेशन होगा, फ्यूजन होगा, फिर से ये रिपीट ये साइकिल होता रहता है, तो इसी को हम कहते हैं सलाई मोल्ड, सलाई मोल्ड्स और इनका लाइफ साइकिल। कहाँ चला, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स। थैंक यू।